आर्यन खान से की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज फैसला नहीं हुआ तो 5 दिन और लटक सकती है बेल, और कल से 19 अक्टूबर तक सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टी है, तो आज बेल अगर नहीं मिली तो 5 दिन तक के लिए आर्यन को जेल में रहना होगा। अश्विनी, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? 5 दिन यानी कि बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर आज बेल की प्ली पर कोई फैसला नहीं हुआ तो। जी देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 दिनों की अवकाश का जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसे सेशन कोर्ट ने भी लागू किया है, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन छुट्टियां हैं। इसके अलावा सोमवार और मंगलवार ये 5 दिनों की छुट्टियां जो है उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, यानी कि अगर आज आर्यन खान को बेल नहीं होती तो है तो 5 दिनों तक बेल की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधे बुधवार को सुनवाई शुरू होगी और इसके बाद जो है। मानवी, समय कम है, मैं जल्दी से आपसे इसका जवाब चाहूंगा कि जो बात हम कर रहे थे जिसकी, कि इसमें एक हिडन मैसेज क्या है? देखिए, एक के बाद एक ड्रग्स के कनेक्शन आ रहे हैं, हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलिए बॉलीवुड में प्रॉब्लम है, लेकिन एक वाइड मैसेज क्या है? क्योंकि इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि बड़े चेहरे बहुत सेंसिटिव नजर आए, खुलकर सड़कों पर आए, परिवारों से एग्जाम्पल पेश किए, ऐसा मुझे 1-2 साल में लगा नहीं, लेकिन मामले बराबर आ रहे हैं। देखिए, 2 चीजें बोलना चाहती हूँ मैं। एक तो ये कि एक हम आर्यन को इतना ज्यादा टारगेट करने से अच्छा तो पेडलर्स को टारगेट करें जहाँ से एक्चुअल ड्रग्स आ रहा है। अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो डिमांड नहीं रहेगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आर्यन को कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है कि वो सुपरस्टार का बेटा है, तो उसको डिसएडवांटेज भी नहीं होना चाहिए। मीडिया में जैसे मीडिया ने एक वर्ड से सुना दिया कि वो तो नशेड़ी गंजेड़ी है, तो आप एनसीबी में छोड़ दीजिए। चलिए, बिल्कुल, इस खबर पर हमारी नजर बनी है, देखना कि कोर्ट इस पर फाइनल टेक क्या लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।